किसान आंदोलन, किसान आंदोलन और किसान आंदोलन। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं तपो भारत। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से किसान आंदोलन के नाम पे आपके साथ छलावा हो रहा है, किसानों के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर किसान आंदोलन है क्या। सरकार ने 2020 में किसानों के लिए एक नया कानून बनाया जिसमें FMCG कंपनियां या बड़ी कंपनियां जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं या किसी भी एग्रीकल्चर काम से रिलेटेड हैं, वो किसानों से डायरेक्ट फार्म यानी किसानों से डायरेक्ट उनके फसल खरीद सकते हैं। इसके पहले ये कंपनियां मंडियों से खरीदते थे और मंडियों को किसान बीच में बिचौलिए होते थे जो किसानों से कम रेट पर दाम अनाज खरीदकर मंडियों और इन कंपनियों को हाई रेट पर बेचते थे और इसमें बीच का फायदा बिचौलियों को होता था न कि किसानों का। यही कारण है कि आज तक हमारी देश के किसान गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए हैं या फिर वो किसानी से इतना मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं कि वो आगे किसानी कर सकें। इसी को ख़त्म करते हुए सरकार ने एक रूल लाया कि कोई भी कंपनी, कोई भी FMCG कंपनी सीधे किसानों से माल खरीद सकती है या उनके फसल को खरीद सकती है। इसका विरोध किसानों ने शुरू किया कि ये इससे हमारी नुकसान होगा, हमें MSP नहीं मिलेगा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह करके इसके विरोध खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ किसान आंदोलन के नाम पर। और इसके बाद फिर इस किसान आंदोलन में क्या क्या हिस्से हुए आप उसको भी समझिए। किसान आंदोलन के नाम पर सबसे पहले खलाकिस्तान की नई मांग उठी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने की पूरी कोशिश की गई। इसके साथ ही साथ भारत विरोधी जितने भी तत्व थे वो इस किसान आंदोलन में जमकर हिस्सा लिए और भारत सरकार और भारत की इमेज को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश करते रहे और अंततः उन्होंने लाल किले पर हमला किया और इससे दिल्ली की न कि बल्कि देश की साख खराब हुई किसान आंदोलन के नाम पर। जब इतना कुछ किरकिरी हो जाने के बाद किसानों ने देखा कि अब ये तो जो किसान नेता थे, बिचौलिए थे, जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, असल में उन्होंने देखा अब ये तो मटर खराब हो रहा है, हमारे इनसे गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, नया फार्मूला निकाला कि हमें MSP चाहिए यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस किसी भी फसल के लिए चाहिए। अब बात करते हैं MSP की। MSP क्या होती है, किसी भी सरकार ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में MSP बढ़ाई है। MSP होता है कि किसानों को किसी फसल के लिए इससे कम में प्राइस में नहीं बेचा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा, उसे मिनिमम उतनी प्राइस मिलनी ही मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार ने इसे पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिया है, 20-25% का इसमें ग्रोथ दिया है इसके प्राइस में, लेकिन इसके बावजूद भी राजेश टिकैत कहते हैं कि हमें MSP पे और ज़्यादा प्राइस चाहिए। अगर अब इसके बाद बताते हैं कि अगर MSP सरकार इसको बढ़ा देगी तो इसके नुकसान क्या होंगे। अगर सरकार किसी भी फसल की तय सीमा से ज़्यादा MSP उसकी निर्धारित कर देती है तो इसका यूज़ से ज़्यादा मिसयूज होगा। जैसे मैं आपको और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूं, आप समोसा खाने जाते हैं और कल को समोसा के व्यापारियों ने ये मांग कर दिया कि हमारा समोसे पे MSP होनी चाहिए और 100 रुपये से कम हम नहीं बेचेंगे इसे एक समोसे को। अब क्या हुआ, सरकार ने उनकी मांग मान ली और एक समोसे की कीमत 100 रुपये हो गई। अब वो क्या करेंगे, चाहे उस समोसे में सड़े आलू डालें या कितने भी पुराने समोसे हो, खराब समोसे हो, अब आपको वो समोसे खरीदने ही पड़ेंगे और एक समोसे की कीमत आपको 100 रुपये देने ही देनी पड़ेगी। तो अगर सरकार MSP बढ़ा देती है तो इसका उपयोग से ज़्यादा इसका दुरुपयोग किया जाएगा, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन और किसान नेता किसानों को इस बात पे बहकाने में लगे हुए हैं कि आप MSP बढ़ाइए। अब हम बात करते हैं एक दूसरे पहलू की। अगर इस किसान बिल के आने से किसानों को नुकसान होगा तो हम इसको पहले आने देते हैं, सरकार इम्प्लीमेंट जिस तरह से करती है इसको होने देते हैं और फिर इसके हम रिजल्ट डिसाइड करते हैं। हमने पिछले 70 सालों में किसानों की स्थिति तो नहीं बदली, आज भी किसान वहीं खड़े हैं जहां आज से 70 साल पहले खड़े थे। तो इस कानून को आ जाने से या ये रूल नया तरीका अपनाने से अगर किसानों की लाइफ में कुछ बदलाव होगा तो इससे अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो कौन सा ये कानून परमानेंट बना दिया गया है कि हम इसे बदल नहीं सकते हैं, आने वाले समय में इसको हम फिर बदल देंगे। ये कानून हमारे लिए बनाया गया है, ना कि हम कानून के लिए बने हैं, तो हम अपने सुविधा के हिसाब से या किसानों की सुविधा के हिसाब से इसे बाद में बदला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा लगता है कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि देश विरोधी और सरकार विरोधी आंदोलन है। वहीं अगर हम बात करें राजेश टिकैत जो किसानों का एक बहुत बड़े नेता अपने आप को इस समय बने हुए हैं, असल में आप राजेश टिकैत की सच्चाई कुछ और ही है। राजेश टिकैत ने इस किसान आंदोलन से इतनी नाम और इतनी पहचान बना ली है या उनके अकाउंट में इतने पैसे हो गए होंगे या होने वाले होंगे कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। इससे सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो राजेश टिकैत को हो रहा है, न कि किसानों को हो रहा है। और अगर ये किसान आंदोलन इतना ही बड़ा है तो देश के दूसरे
दूसरे राज्यों के किसान आंदोलन या किसान इसमें क्यों शामिल नहीं है, सिर्फ एक राज्यों के ही किसान क्यों शामिल है? क्यों? क्योंकि ये एक तरह से ही पूरी पॉलिटिकली बनाया हुआ एक मुद्दा है, एक पॉलिटिकली बनाया हुआ किसान आंदोलन है, असल में ये किसान आंदोलन नहीं है। ये किसान आंदोलन कभी NRC और CCA के विरोध में कूद जाता है, ये किसान आंदोलन बंगाल चुनाव में एक्टिव हो जाता है, ये किसान आंदोलन यूपी में आने वाले चुनाव की एक्टिव होने की तैयारी करता है, तो ये किस तरह का आंदोलन है? और मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का आंदोलन कभी नहीं देखा था कि जहां पर आंदोलनकारियों के लिए हॉस्पिटल हो, उनमें खाने की अलग अलग व्यवस्थाएं हो, खाने की सुविधाएं हो, और वहां पर किसानों के लिए या फिर जो भी लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए वॉशिंग मशीन और बाकायदा टेंट 5-स्टार जैसी तैयारियां किया गया हो। मैंने ऐसा किसान आंदोलन या फिर किसी तरीके का आंदोलन न तो इतिहास में आपने कभी देखा होगा और न तो आपने इतिहास में कभी ऐसा सुना होगा। ये किसी भी तरीके से किसान आंदोलन नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी और सरकार विरोधी एक माहौल जानबूझ के तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और राजेश टिकैत की अगर बात करें तो उन्होंने इतने पैसे और इतना फेम कमा लिया है कि उन्हें किसान आंदोलन सफल हो या असफल हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि राजेश टिकैत की अगर आप और सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप जरा उनकी हिस्ट्री के पता करिए, आप उनके संपत्ति के बारे में आप खंगालिए तो आपको पता चलेगा कि राजेश टिकैत कितने पैसे वाले हैं। उनको इस किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे साल भर सड़क पर बैठे या चाहे 5 साल सड़क पर बैठे। तो इस तरह से ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि सरकार विरोधी एक आंदोलन है, और अगर इस तरह से यह आंदोलन चलता रहा न कि किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होगा बल्कि आगे जो भी आंदोलन होगा लोग उससे अपने आप को किनारा करेंगे और कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए आंदोलन किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए।